नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने अस्पतालों का दौरा किया। यूं तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कई मरतबा आ चुके हैं, अब जिला अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। यानी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो खामियाँ हैं, कमी वेशियाँ हैं, उनको दूर किया जाए। और आज वो पहले सांबा हॉस्पिटल में गए और उसके बाद सीधे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में पहुँचे। कठुआ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के साथ उन्होंने तीमारदारों से भी बातचीत की और वहां पर जो मौजूद डॉक्टर्स थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ था, उन सब से जाना कि कहां आपको लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है और किसी भी तरीके की ज़रूरत है तो सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कोविड के मरीज को उपकरण या दवाई के कारण मौत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी जांचा कि क्या वहाँ पर ऑक्सीजन है या नहीं है। दर्शकों, डॉक्टर्स ने उनकी मुलाकात के बारे में बताया कि उन्होंने खुलकर हमसे पूछा कि किस किस चीज़ की कमी है और साथ उन्होंने ये भी कहा भी अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा कीजिए और ब्लैक फंगस को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में 4 संदिग्ध मामले आए थे। उन्होंने कहा कि जब तक सैंपल नहीं आ जाता, उनका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता केंद्र सरकार दवाई के लिए तैयार है, जितनी हम रिक्वेजिशन भेजेंगे केंद्र सरकार से हमें दवाई मिल जाएगी। हमारी मैनेजमेंट कोविड के पेशेंट्स का, हम कैसे ख्याल रखते हैं और क्या कर रहे हैं, कितने बेड है, ऑक्सीजन की क्या अवेलेबिलिटी है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और हमने भी अपना बताया कैसे हम काम कर रहे हैं। तो स्पेशली उन्होंने यह टच किया बिकॉज लोगों की बहुत कंप्लेंट रहती है, तो वो कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए आपको सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए और बतानी चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल का सवाल है, हम अपने साइड से कोई चूक नहीं करते हैं, मगर लोगों को प्रोटेस्ट करने में क्या नज़र आता है और क्या है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो उन्होंने कहा आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। दर्शकों, टीम का लीडर अगर एक्टिव होता है तो स्वाभाविक सी बात है टीम का एक एक खिलाड़ी उनसे कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार रहता है। आज लगभग सभी डिप्टी कमिश्नर्स एक्टिव थे। अगर हम जम्मू के डिप्टी कमिश्नर की बात करें अंशुल गर्ग की, तो उन्होंने आज दो जगहों पर दौरा किया जहां पर वैक्सीनेशन दी जा रही थी 18 से 44 साल के बीच के लोगों को। उन्होंने RTO ऑफिस का दौरा किया और वेयर हाउस, जिसको अनाज मंडी हम कहते हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर UT को कैटर करती है, वहाँ पर भी दौरा किया। Thank you.
देखिए कोशिश चल रही है सरकार की कि 18-44 को एक टारगेटेड तरीके से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, उनको पहले कवर किया जाए। तो हमारे क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स, मिनी बसेस, ये लोग फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, तो इन लोगों को फर्स्ट कैटेगरी में किया जा रहा है। तो RTO साहब की सुपरविजन में यहाँ पर आज वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और हमारी यही कोशिश है कि इनको जल्द से जल्द कवर किया जा सके। इसी तरीके से जो दूसरे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट के, लॉयर्स के, शॉपकीपर्स के, स्पेशली एबल्ड के, विडोज के, उनको दूसरे साइट्स पर कवर किया जा रहा है। सर, दर्शकों, डिप्टी कमिश्नर रियासी चरणदीप की बात करें, चरणदीप सिंह ने एक मोबाइल सर्विस शुरू किया, यानी मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर उसको कहा जाएगा, उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। वो घर घर में जा करके दूर दराज एरिया जो पहुंच से बाहर हैं, जिनके लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं आ सकते हैं, उनके वहाँ जा करके उन्होंने उनको दवा दी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नया प्रकार का प्रयास है। ऐसा ही प्रयास बाकी लोगों को भी करना चाहिए। एग्जॉस्टिव प्लान हमने वैक्सीनेशन का बनाया हुआ है। उस प्लान में हमने हर एक गांव जो है उसको टारगेट किया हुआ है, और इसी सिलसिले में हमने ये फैसला लिया था कि मोबाइल वैक्सीनेशन जो है वो भी हम करवाएंगे। और इस मोबाइल वैक्सीनेशन में हमने इन गाड़ियों में जो एक मोबाइल वैन की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी यूनिट भी वहाँ बैठी है वैक्सीन के साथ, और IEC का जो है वो काम भी करेंगे, अवेयरनेस का काम भी करेंगे, और साथ ही साथ जो मोबाइल वैक्सीनेशन है वो भी करते रहेंगे। ये जो चार गाड़ियां हैं, चार ब्लॉक्स के लिए हैं, हर ब्लॉक में ये जाती रहेगी। और जिस तरह से आपने सुना कि अनाउंसमेंट हो रही है, ये अनाउंसमेंट होगी ताकि लोगों को पता लग सके कि वैक्सीन जो है वो लगानी कितनी ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं उसके, और अगर कोई ऐसा रूमर है कि इसमें कोई नुकसान है तो वो भी उनको क्लियर करते चले जाएंगे। दर्शकों, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक कुमार ने भी एक वक्तव्य जारी किया और उसने बताया, जैसे कि बुलेटिन जारी किया जाता है वैसे उन्होंने बताया कि लगातार मामलों में कमी आ रही है, जहां लगता है कि मामले बढ़ रहे हैं उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है और उस पूरे एरिया की सैंपलिंग की जाती है। सबका स्वागत है। कोविड जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की के हालात हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज की डेट में सेकंड सर्च के बाद हमारे पास 1095 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 755 केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और 335 केसेस जो हैं वो आज की डेट में एक्टिव हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ से अभी तक 66 केसेस जो हैं वो रिकवर होके घरों में जा चुके हैं। 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो बनाए जा रहे हैं वो हर पंचायत लेवल पे बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभी तक 92 इस तरह के कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश कर चुके हैं हम लोग, जिसमें अभी मेडिकल सप्लाईज का जो सामान है वो जाना बाकी है। दर्शकों, डिप्टी कमिश्नर राजौरी आकेश अवर ने भी ये बताया है कि वहाँ पर जो पहले मौतें हुई हैं शुरुआती दौर में, मरीज देरी से अस्पतालों में पहुँचे हैं, लेकिन अब पॉजिटिव मामले भी कम हो गए हैं और ठीक होने मामलों की तादाद भी ज़्यादा होगी। कॉन्फ्रेंस है कोविड कंटेनमेंट मेजर जो डिस्ट्रिक्ट में लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पॉजिटिव रेट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। पहले पॉजिटिव रेट जो था वो 9 और 10 के करीब था और आज
पॉजिटिव रेट जो है 3.65% तक जिले में आया है। बिलाशक यहाँ 105 डेथ नए वाले फेज में हुई और 57 पहले थी। इसमें वो लोग की डेथ हो गई जो बिल्कुल लेट आए और को मॉर्बिड थे। 80% लोग की डेथ हो गई है वो जो एज्ड हैं और को मॉर्बिड थे और लेट रिपोर्ट किया है। आप इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने हर पंचायत में कोविड के जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, आइसोलेशन बेड लगाए गए हैं। 5-5 ऑनरेबल एलजी साहब के हुक्म के मुताबिक वो डिस्ट्रिक्ट में पहला रजौरी ज़िला ऐसा है जहां लीड ली गई थी और मुकम्मल किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट आपका एक लगा है, 4 ऑक्सीजन प्लांट्स और मेडिकल कॉलेज में इनका काम जो है जोरों पे चल रहा है। मुझे उम्मीद है एक हफ्ते के अंदर हम एक और 750 LPM का प्लांट जो है वो फिक्स करेंगे और आने वाले टाइम में जल्द अज जल्द 3 प्लांट और यहाँ मेडिकल कॉलेज में लगेंगे। इसके अलावा आपके ज़िले के अंदर सुंदरबनी में भी आपका 1000 के करीब ऑक्सीजन प्लांट जो है उसकी तैयारी चल रही है। नौशहरा और आपको थाना मंडी में भी DPRs बनाकर गवर्नमेंट को भेजी गई है और गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है। मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि आप जैसे पहले कोऑपरेट करते थे वैसे ही कोऑपरेट कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, रिस्ट्रिक्शंस का पालन करें। दर्शकों, डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का दौरा किया और वहां पर जाकर के देखा कि क्या वाकई में जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए वो काम कर रहा है और गैस की सप्लाई हो पा रही है या नहीं। दर्शकों, पहली दफ़ा ये प्रयास किया गया क्योंकि कोविड-19 पहली बार ही आया है, हालांकि वेव 2 इसकी चल रही है, कि हर पंचायत में 5 बेडेड कोविड-19 केयर सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ियां और माड़ ब्लॉक से कुछ शिकायतें आई हैं। लोगों का ये कहना है कि खाली बिस्तर देने से कोविड-19 को नहीं जीता जा सकता, इसके लिए उपकरण और डॉक्टर भी उपलब्ध होने चाहिए। आइए देखते हैं। कोशिश करो कि जेड़े सारे जुने जिन्हें सारे नहीं तो हमारे कौन बनाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमें प्रोवाइड हुआ है वो हमें में जो कोविड सेंटर जो रहे हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, जो भी है हमारे से जो हो सकता है हम सोशल सरपंच साहब और पंच साहब की मदद से जो भी पॉसिबल है वो हम कोशिश कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से यही किट्स वगैरह आई हैं और बेड भी खुद ही अरेंज किए हैं हमने, तो बस और कुछ नहीं, अपने से जो बनेगा वही करेंगे हम। तो मैं LG साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कोरोना वायरस के मद्देनज़र देखते हुए गांव स्तर पर भी एक ऐसा कदम बढ़ाया हुआ है कि आने वाले समय में अगर कुछ ज़्यादा ही केस निकलें और उनके लिए भी व्यवस्था की हुई है उन्होंने, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका। और तो कुछ नहीं, अभी मैं तो बोलता हूं कि एक तो डॉक्टर भी होने चाहिए इधर, अगर कोई केस आए तो उनकी निगरानी में होने चाहिए, तो
वही देखेंगे ना इधर। तो गवर्नमेंट ने बैड पे जुड़े ना पाँच, तो मगर खाली बैड ने काम नहीं चलना। गवर्नमेंट ही चाहिए है कि अगर बैड भेजे, डॉक्टर भेजो, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजो, दवाइया भेजो। अगर कल दी इतना कोरोना पॉजिटिव निकली होता है तो इसी बैड भी लटाइए के करके भगवान के सारे झटी उड़ गए। तो गवर्नमेंट की अगर इे बेनती है तो दवाइया सारिया पूरी करो, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर पाँच बैड पाँच भेजो। तो अस इे चाहते हैं कि फॉर्मैलिटियाँ नहीं करो, अच्छी तरीके काम करो। गवर्नमेंट दे दिया दी है, लेकिन जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन वो भी अच्छे तरीके काम करे ताकि ग्रां के लोग बची जाए। इसमें एक अरेंजमेंट जो हमने अभी वर्कआउट किया है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे मिलके, जो ओवरऑल सुपरविजन रहेगी वो जो हमारे पीएचसी इंचार्जेज हैं यहाँ पे उनकी रहेगी। उसके बाद जो एएनएम वर्कर्स हैं या दूसरे जो वर्कर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उसके अलावा जो एक जो फैसिलिटी जो है जो 5-बेडेड फैसिलिटी है वहाँ पर आयशा वर्कर भी रहेगी और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर भी रहेगी। लेकिन डायरेक्ट सुपरविजन जो है जो पीएचसी इंचार्जेस हैं जो डॉक्टर्स हैं हमारे उनकी देखरेख में। हालांकि मामले पॉजिटिव कम हुए लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड 19 को लेकर के जारी कर्फ्यू में किसी तरह की रिलैक्सेशन दी जा रही है। वो सुबह वाली जो रिलैक्सेशन है 6 से 11 उसी तरीके से रिलैक्सेशन दी जा रही है, लेकिन बाकी उसके बाद सन्नाटा पसर जाता है। कश्मीर में भी बड़ी सख्ती की जा रही है क्योंकि कोविड 19 की चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन को फॉलो करना पड़ेगा या जिसको हम कोविड 19 कर्फ्यू कहते हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत। ट्रैफिक पुलिस पहले भी ऑन ड्यूटी थी तो माशाल्लाह आज भी आप देखेंगे हमारे जवान ऑन ड्यूटी हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो है क्वांटम कम हो गया है रोडों से, मगर इमरजेंसी सर्विसेज और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं, तो इसलिए हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है ऑन जॉब। हर जगह जो अरेंजमेंट किए जाते हैं ये इसीलिए किए जाते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज को फैसिलिटेट किया जाए, और कहीं कहीं पे नाका हो इसलिए होता है कि चेक किया जाता है गाड़ियों को चेकिंग वैकिंग के लिए। बाकी आज रोड्स आप देख रहे हैं खाली है, ट्रैफिक का क्वांटम बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता एम्बुलेंस को कहीं भी परेशानी आ रही है। सर एम्बुलेंस सर्विस मेरे माशाल्लाह आज कहीं पे भी नहीं रुक, पहले भी नहीं रुकने दिया हमने कभी एम्बुलेंस को, तो आज भी एम्बुलेंस सर्विस नहीं रुक जाएगी। मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ बहसीत एक शहरी, बहसीत एक पुलिस अफसर नहीं, बहसीत एक शहरी, कि कोविड 19 जो है ये रियलिटी है, पेंडेमिक है, तो लोगों से यही गुजारिश है कि उसको सीरियसली लें, जो भी गवर्नमेंट की SOPs हैं उसको फॉलो करें और एहतियात करें, घर से अननेसेसरी ना निकले, तो इंशाल्लाह विद हेल्प ऑफ गॉड हम इस पेंडेमिक से निकल जाएंगे। दर्शकों, भद्रवाह के ही लोगों ने जो निर्धारित टाइम है दुकानें खुलने का उसमें इजाफा करने की मांग की है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो समय निर्धारित किया है उसमें ना तो दुकानदार खुलकर अपना कारोबार कर रहे हैं, ना ही जरूरतमंद लोग अपनी जरूर रोजमर्रा की जरूरी चीज खरीद पा रहे। डी साहब से गुजारिश करता हूँ जो 7 से 9 से लेकर उन्हें 11 बजे तक किया है, 7 से लेकर 11 बजे जो किया है ये टाइमिंग जो ये अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है लोग जो हैं कम से कम 9 बजे बाज़ार में निकल गए हैं, तो इससे लोगों का काम, दुकानदारों का काम नहीं बनता है इससे, तो ना लोग जो है बाहर बहुत लेट से आते हैं। इस वक्त भी यहाँ सर्दियों का मौसम है और गाँव के लोगों के इसके साथ इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम बन जाती है, वो बेचारे यहाँ 9-10 बजे बाज़ार में पहुँचते हैं तो उसके बाद वो क्या यहाँ से खरीदने के क्या लेंगे, तो दुकानदारों को देखो अभी दुकानदार में कम से कम जब वो दुकान खोलते तो 1 घंटा उनको कम से कम लगता है खोलने में, तो कैसे चलेगा। तो मैं शासन और प्रशासन से अपील करता हूँ कम से कम 9 से लेकर कम से कम 2 बजे तक कि दुकानें खुली रहे,
ताकि देखो इस वक्त आप ज़मींदारी का सीज़न भी है, लोगों ने कम से कम खाद बीज वगैरह खरीदना है, तो मैं अपील करता हूँ डीसी साहब, खासकर डीसी साहब से और गवर्नर साहब से कम 7 से लेकर 2 बजे तक दुकानें खुली रहे। तो मैं लोगों से अपील भी करता हूँ ऐसी सिस्टम जो है, देखो कम से कम मास्क लगा कर बाहर निकलें, सैनिटाइजन करें और 2 गज की दूरी रखें। तो कम से कम देखो इस वक्त हालात जो है ठीक नहीं है, तो मैं फिर अपील करता हूँ हुकूमत के वक्त से हम थोड़ा सा इसमें 7 से लेकर कम से कम 2 बजे तक दुकानें खोल दें। अब देखिए, हमने एक दो बार पहले भी प्रेस रिलीज दी कि दुकानदारों के बारे में सोचें, जो आपने पहले 7 to 10 टाइम रखा था, 7 to 9 बजे तक लोग सोए रहते हैं, ठीक है, इनने 11 बजे तक टाइम बढ़ा दिया, अब 1 घंटा बढ़ा दिया। हम यही दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये तकरीबन 9 से लेकर 1 बजे तक टाइम रखें, या 8 to 9 1 बजे तक टाइम रखें। 11 बजे का हमें कोई फ़ायदा मिलता नहीं है, ठीक है ना, जो ये समझो आप 9 बजे हम दुकान पर पहुँचते हैं, 10 बजे जाते हैं दुकान खोलते हुए, उसके बाद क्या होता है कि कस्टमर यहाँ पर हमारे दूर देहात इलाकों से आते हैं, मतलब गर्मी का मौसम है, बाहर गर्मी है लेकिन यहाँ भदोरा में सर्दी अभी है, तो यहाँ को लोगों की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पर अभी स्वेटर कहीं को लगी है, जैकेटें लगी हुई हैं, तो लोग यहाँ देहात से आते हैं लेने के लिए, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है गाड़ी की कि वो टाइम पे दुकान पर पहुँचे, वो बेचारे 10:30 बजे पहुँचते हैं, आधा घंटा जो ही उनको गुजरता है कुछ दुकान पर लेने के लिए, तब तक सिग्नल हो जाता है, पुलिस आ जाती है कि कारोबार अपने बंद कर दो, कोरोना का कर्फ्यू लग गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कम से कम दोबारा कि 1 बजे तक कम से कम बढ़ाएं इसको। दर्शकों, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने कहा कि दुकानदारों के लिए एक बड़ा ऑफर लाया है, दुकानदार और दुकान पर काम करने वाले मजदूरों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर 5 अलाइदा जगहों पे म्यूनसिपल लिमिट्स के अधीन 5 अलाइदा जगहों पे वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं। इससे ये होगा कि जो दुकानदार हैं वो वहाँ पर जा कर के अपना टीकाकरण करा सकते हैं और दुकान पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी ये सुविधा मिलेगी। देखिए, ये हिंदुस्तान है, फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर आदमी को आज़ादी है जो कहता है, और अपोजिशन के जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है, इसलिए वो लोग करते हैं। इसमें हम हर एक, हमने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम। जम्मू शहर अर्बन में जो है हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्षेत्र है, इसके लिए लग से सेंटर बना दिए गए हैं, खासकर जो हमारे व्यापारी वर्ग है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं जब उनका स्टाफ है, उनके लिए शहर में 5 सेंटर इन्होंने बना दिए हैं, एक भक्तिनगर में बना दिया है, एक तालाब टीका में बना दिया है, एक मोरख मंडी डिवीजन में बना दिया है, एक यहीं रूपनगर में बना दिया है, एक और बना दिया है, ताकि इनके जो हमारे चाहे वो दुकानदार भाई हैं चाहे उनका स्टाफ है, उनको कहीं स्लॉट मिले ना मिले, उनके लिए ये भी फ्रंट रनर में आते हैं, ये भी हमारे वही लोग हैं जिनके पास लोग आ रहे हैं और जो लोगों के साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं स्प्रेडिंग होती है। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरा सहयोग करेंगे इन लोगों को, ताकि जल्द से जल्द इसको हम जो हमारी इकॉनमी है, इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा, हम इसको और अगर 3-4 घंटे के लिए खोल रहे हैं कुछ एरिए या कुछ दुकानें या मंडियाँ, उनको और ज़्यादा हम लोग खोल सकें, ताकि हमारा जो लेबर तबका है, खासकर एम्प्लॉइज़ हैं जो, उनको भी राहत मिल सके। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि COVID-19 यानी कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस ने भी जम्मू कश्मीर यूटी में दस्तक दिया है, और इसको लेकर के विभाग सरकार पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि जो डायबिटिक मरीज हैं, जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, उनको खास हिदायतें बरतनी चाहिए। इसके लक्षण क्या होंगे वो भी उन्होंने बताया। आपने सही कहा, अभी हमारे जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा केसेस तो नहीं, 1 केस देखा गया है, मगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स ऑटोइम्यून डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स लेते हैं वो पेशेंट्स, क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनकी ससेप्टिबिलिटीज़ बीमारी के लिए ज़्यादा है, और बड़े केयरफुल रहना है। इसके लक्षण जैसे बताए जाते हैं,
मोस्टली ये फेशियल एरिया को इफेक्ट करती है, साइनसिस को इफेक्ट करती है। तो जो भी अगर किसी को नाक बंद हो जाता है, नाक से गंदे किस्म का डिस्चार्ज आने लगता है, स्मेली डिस्चार्ज आने लगता है, नाक से खून आने लगता है, या हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा, फेस में कहीं भी स्वेलिंग हो रही है, आँखों के आसपास या नाक के आसपास स्वेलिंग हो रही है, या डिसकलरेशन हो रही है, कहीं पे आपको लगता है मेरी ये जगह काली सी हो रही है या ब्लूइश हो रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। और जो लोग डायबिटिक है अपना शुगर में जो है उसको मॉनिटर करें, शुगर लेवल को मॉनिटर करें और मेंटेन। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बुलेटिन की। तो बुलेटिन में ये बताया गया है कि अब दाखिले की तादाद पहले से कम हो रही है और ठीक होने वाले ज्यादा हो रहे हैं। आइए देखते हैं प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन क्या कहते हैं। शुरुआत ऐसे हुई थी कि एडमिशन हमारी 70, 80, 90, 100, 111 तक गई थी और डिस्चार्जेस कोई नहीं हो रहे थे। जैसे ही ये जो करंट रिसर्जेंस हुई, इसमें एक बहुत कह सकते हैं कि एक आम भाषा में तूफानी स्टार्ट, जैसे या एक साइक्लोन की तरह ये हमने कुछ एक्सपीरियंस करना शुरू किया था। इकलौता जम्मू का ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है और जो भी एकदम सामने आया, सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एडमिशंस और पहले दिन से ही इतनी ज़्यादा डेथ्स कि काफ़ी लोग बीमार थे। एक शायद वजह यही वेरिएंट जो है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न म्यूटेंट रहा होगा, जो सीक्वेंसिंग में भी वायरल म्यूटेंट प्रूव कर दिया और बहुत ट्रांसमिसिबल भी है और इसने बहुत ज़्यादा बीमार भी किए लोग। लेकिन चलते चलते शायद ये कोरोना कर्फ्यू का ही प्रभाव है, या फिर मैं बोलूँगी कि लॉकडाउन जो एनफोर्स्ड लॉकडाउन था उसका प्रभाव है। और जनता को सीख जाना चाहिए कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इन कंट्रोल मेजर से ये फ़ायदा हुआ है जो बहुत सामने है कि आज हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए जिनका नंबर 69 है। तो वो एक बड़ा नंबर है कि काफ़ी बीमार थे सारे मरीज़। एक स्टेज में हम महसूस कर रहे थे कि 98-99% कोई एक मरीज़ था जो खुद से सांस ले पा रहा था बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। तो आज की डेट में अगर 69 लोग हमारे अच्छे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अनथक प्रयास से डिस्चार्ज होके गए हैं, तो वो एक इंस्टीट्यूशन की बहुत अचीवमेंट मान के चलेंगे इनको। और इनको अभी इन ये जो हमारे योद्धा हैं जो जुड़े हुए हैं कोविड सर्विसेज में, इनकी इनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त।